अलीगढ़ में कटारा एकेडमी की छात्रा आस्था भारद्वाज ने एएमयू 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए कटारा एकेडमी ने आस्था को 11,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। एएमयू 11वें एंट्रेंस का परिणाम 25 जून की शाम को घोषित हुआ, जिसमें सफल छात्रों की संख्या अब तक 100 तक पहुँच गई है। आस्था की इस सफलता से कटारा एकेडमी में खुशी का माहौल है। कटारा एकेडमी के निदेशक ने आस्था की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि आस्था की मेहनत और लगन ने उन्हें यह मुकाम हासिल कराया है। आस्था भारद्वाज ने अपनी सफलता का श्रेय कटारा एकेडमी के शिक्षकों और अपने परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि कटारा एकेडमी के समर्थन और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। कटारा एकेडमी ने आस्था की इस उपलब्धि के माध्यम से ये संदेश दिया है कि वे अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आस्था भारद्वाज की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मेरा नाम आस्था भारद्वाज है। मेरी थर्ड रैंक आई थी एएमयू 11th एंट्रेंस में, तो मैं इसका पूरा श्रेय कटारा एकेडमी को देना चाहूँगी, क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस में पूरा सपोर्ट दिया और सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाया। और मैं अपने पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो यही क्या बनना चाहती मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी और यूपीएससी का एम। आज का जो ये आयोजन है ये बहुत ही खुशनुमा है। एएमयू 11th एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, जिसमें कटारा एकेडमी से आस्था भारद्वाज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कटारा एकेडमी के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। बहुत हर्षोल्लास का माहौल है और साथ साथ अब तक 25 जून को ये रिज़ल्ट घोषित हुआ है, जब से अब तक लगभग 100+ काउंटिंग जा चुकी है और लगातार बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, सर हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत बड़ी यहाँ खुशी का माहौल है और मैं पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरी टीम ने बहुत लगन से बहुत अच्छे से मेहनत की और उसका आज परिणाम हमारे सामने है। ऑल इंडिया रैंक 3 लाना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसके लिए आस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। एकेडमी का देखिए, एकेडमी कई तरह के सेगमेंट में तैयारी कराती है, जैसे एएमयू एंट्रेंसेस हो गए, आईआईटी नीट के लिए भी तैयारी कराते हैं हम लोग, डिफेंस की तैयारी भी कराते हैं। तो हमारा जो बच्चों को तैयार करने का जो तरीका है वो बहुत बॉटम टू टॉप लेवल है। हमारे यहाँ पहले बच्चों को अच्छे से आकलन भी किया जाता है कि किस तरह का कौन कैंडिडेट है, उसी श्रेणी में उसको संभालते हुए हम आगे लेकर चलते हैं। समय समय पर मॉक टेस्ट कराते हैं, जिससे कि बच्चे की कैसी तैयारी चल रही है, क्या सुधार की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का चिंतन करते हुए प्रॉपर तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है और उसी का एक बड़ा कारण है जो इतने धूमधाम से परिणाम आते हैं। हरीश भारद्वाज मेरा नाम है। बेटी ने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, बहुत खुशी हुई। हमने तो बेटी को बोल दिया था तुम्हें जहाँ अच्छा लगे ज्वाइन करो। उसने पहले कुछ क्लासेस ली थी, अलग अलग इंस्टीट्यूट में गई थी, लेकिन उसको यहाँ पर जो एकेडमी के बारे में उसने बताया, उसने बोला कि पापा मम्मी दोनों के साथ बैठ के बताया था कि जो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये लगी कि यहाँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। मुझे ऐसा विश्वास पहले दिन से इसने विश्वास दिला दिया कि मैं टॉप 10 में ज़रूर आ जाऊँगी, आप मेरा एडमिशन यहीं पर कराइए। तो कटारा एकेडमी में ज्वाइन करने के बाद इसकी जो सबसे बड़ी हमने चीज़ें देखी वो ये देखी कि पढ़ने में अपने आप लगनशीलता आने लगी, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने की वजह से जो बहुत ऊटपटांग सिलेबस दिया जा रहा था, जिस तरह से चीज़ें होती थी, उससे मुक्ति मिली इसको और बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस होकर बच्ची ने कम समय में ही बहुत अच्छा कर लिया। तो हम तो यही चाहेंगे कि हाँ, जिस तरह से कटारा एकेडमी में बच्चों को गाइड किया गया है वो पूरा श्रेय जाता है, कम समय में बहुत कुछ हमारी बेटी को मिला है जी। बिल्कुल, बहुत खुशी है, आज मैं खुशी का दिन है और मुझे खुद अब विश्वास नहीं हो पा रहा कि इतनी अच्छी रैंक आई है इसकी, थर्ड रैंक। मतलब क्योंकि जो मेहनत ये कर रही थी उससे लग तो रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी ये विश्वास नहीं हो पा रहा अभी भी। और इसका कहना यही है कि मेरी जो गाइडेंस रही है उसके हिसाब से ही इतने अच्छे मुकाम पे मैं आ पाई थी।